बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए कृषि कानून को किसानों का डेथ वारंट बताते हुए कहा कि इतने जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किए थे जितने भाजपा किसानों पर कर रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर भीषण ठंड में भी बैठे हुए किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है, उन्हें आंदोलनजीवी कहा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी बराबर दोहरा रहे हैं कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा, लेकिन यह कहां लागू है यह पता नहीं चल रहा। केजरीवाल ने कहा कि आज वे यूपी में हैं, वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहेंगे कि यूपी की किस मंडी में MSP पर फसल का उठान हो रहा है। यदि ऐसा है तो वे भी उस मंडी को देखना चाहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां किसान पंचायत को संबोधित कर रहे थे। भीड़ को देख उत्साहित अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान जो भी लाल किले पर हुआ वह सब भाजपा ने ही कराया है। भाजपा की केंद्र सरकार अपने अमीर दोस्तों के 8 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकती है, लेकिन किसानों के नहीं। कर्जे के बोझ तले दबे बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। दिल्ली बॉर्डर पर भी आंदोलन के दौरान 250 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार को उनकी परवाह नहीं है। सभा के दौरान हमारा किसान नेता कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो के नारे लगते रहे। भीड़ से संवाद स्थापित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है, वे पूछना चाहते हैं कि यहाँ यह सारी भीड़ आतंकवादियों की है। भीड़ ने जवाब दिया नहीं। आइए देखते हैं किसान पंचायत में अरविंद केजरीवाल ने जन समूह को संबोधित करते हुए क्या कहा। तो से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, छोटी बात नहीं है। 250 लोग शहीद हो चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार की जू नहीं रेंग रही। दोस्तों पिछले 70 साल में इस देश के किसान ने केवल और केवल धोखा बर्दाश्त, धोखा देखा है। सबने धोखा दिया अपने किसान को, सारी पार्टियों ने, सारी सरकारों ने। 70 साल में कई सरकारें आई, 70 साल में इस देश के लोगों ने लगभग हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन सभी पार्टियों की सरकारों ने धोखा दिया किसानों को। किसान कहता है, किसान क्या मांग रहा है पिछले 70 साल से, वो कहता है जी मेरी फसल का सही दाम दे दो। यही तो मांग रहा है भाई साहब, मेरी फसल का सही दाम दे दो। 70 साल हो गए मांगते मांगते, और सारी पार्टियों के घोषणा पत्र उठा के देख लो, 70 साल में इतने चुनाव हो लिए, राष्ट्रीय स्तर पे हो लिए, राज्य स्तर पे हो लिए, हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होगा हमारी सरकार बना दो हम तुमको सही दाम देंगे। ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे, किले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। और अब ये हमारे किसानों पे झूठे मुकदमे कर रहे हैं, ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया, कराया कि नहीं कराया। भाई साहब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, किसानों के नेता भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं। सबने मेरे को आके कहा जी उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे, बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था, वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जानबूझ के उधर भेज रहे थे, और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता।